हेलो स्टूडेंट्स, सो जो हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं वो है एसटीएसई 2019 मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, पेपर पैटर्न देखें तो काफ़ी इजी रहा था। मतलब अगर देखें तो 2 to 3 क्वेश्चन ही थे जो मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन थे, बल्कि सारे मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कुछ था, गिवन बी इज इक्वल टू 8, एल इज इक्वल टू 7, ओ इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 9 एंड के इज इक्वल टू 4। यूजिंग द गिवन टोटल फाइंड आउट द मिसिंग सिंबल इन द ब्लैंक। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ लेटर दे दिए और उनके कुछ नंबर दे दिए। अब यहाँ पे क्या दिया कि लेटर्स है इनका सम बन के 24 के इक्वल आ रहा है, तो ये कैसे आ सकते हैं देख लेते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एल प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस के प्लस के प्लस के किसके बराबर है? 24। हम कॉरिस्पॉन्डिंग जितने भी लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। तो एल की नंबरिंग यहाँ पे क्या दे रखी है, जैसे कि 7, ये क्वेश्चन मार्क निकाल लें। के कितना दे रखा है हमें, के की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 ये किसके बराबर है? 24। ठीक है, तो अगर हम 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 19 के बराबर। तो 19 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 24 माइनस 19, तो मिसिंग टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। और 5 यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? ओ को। तो मिसिंग टर्म आ गई ओ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 था, जैसे कि सिंपल दे रखे हैं हमें कि अपर एरो दे रखा है वो 12 के बराबर है, 15 एंड ओ इज इक्वल टू 13 एंड स्क्वायर इज इक्वल टू 6, देन ट्राइंगल माइनस अपर एरो प्लस O इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें वैल्यू निकालनी है ट्राइंगल प्लस माइनस, ट्राइंगल माइनस अपर एरो प्लस O किसके बराबर होंगे? ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें दे रखा है 15 के बराबर माइनस अपर एरो इज इक्वल टू 12 और प्लस O है 3 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 6, और 6 किसको सिंबलाइज करता है? स्क्वायर को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ए की जगह ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल द इक्वेशन एक्सेप्ट वन हैव बीन सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। You are required to solve the unsolved equation following the same rule and choose the correct alternatives given option. तो अगर देखें, ये जो है इसमें कोई सर्टेन रूल लग रहा है, जैसे कि हर एक इक्वेशन है उसमें कोई सर्टेन रूल लग रहा है, जैसे कि इसमें एक पर्टिकुलर रूल लग रहा है, इसमें पर्टिकुलर रूल, सेम रूल लग रहा है। ठीक है, तो देखो मेरे को दिख रहा है कि बीच वाला नंबर मेरे फर्स्ट और थर्ड नंबर से बनेंगे, कैसे बन सकता है? अगर मैंने 10 × 15 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट और थर्ड नंबर को, तो बीच वाला नंबर मिल जाता है, दैट इज 150। आगे फॉलो करते हुए देख लेते हैं, 14 × 16 करा तो हमें कितना मिल जाता है? 224। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली इसमें भी क्वेश्चन मार्क ऐसे ही निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 × 15, तो 13 × 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 195, यानी कि मिसिंग टर्म क्या होगी? 195, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑल द इक्वेशंस एक्सेप्ट वन हैव बीन सॉल्व अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द अनसॉल्व इक्वेशन फॉलोइंग द सेम रूल एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। अगेन क्या बोला है कि यहाँ पे जो सर्टेन रूल लग रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 × 6 × 2 को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना है, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 के बराबर आया, लेकिन ये तो 351 के बराबर है, तो इसमें कोई सर्टेन रूल लग रहा है। ठीक है, सब में एक जैसा रूल लग रहा है, हमें वो इक्वेशन का रूल आइडेंटिफाई करना है और हमारा मिसिंग टर्म निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो 462 देखें, तो 462 में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिजिट तीनों को अगर माइनस वन कर दिया जाए, जैसे 4 − 1, 6 − 1 और 2 − 1, तो ये किसके बराबर आ जाए? 4 − 1 = 3 के बराबर, 6 − 1 = 5 के बराबर, 2 − 1 = 1 के बराबर, मुझे 351 मिल रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है,
सेम रूल यहाँ पे देखिए 398, अगर हर डिजिट को 1 से माइनस कर दें, 3 माइनस 1 9 माइनस 1 8 माइनस 1, तो कितना आ जाता है 287, अगेन 287 आंसर है। तो सेम पैटर्न लग रहा है, यानी कि तो 956 में हर डिजिट को 1 से माइनस करना है, यानी कि 9 माइनस 1 5 माइनस 1 एंड 6 माइनस 1, तो आंसर ऑप्टेन होगा वो होगा 845, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन सेम डायरेक्शंस है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, कि 952, 472 और 398, मतलब 9 × 5 × 2 529 के बराबर है और 4 × 7 × 2 724 के बराबर है। इसमें कुछ सिमिलर पैटर्न लग रहा है, सेम पैटर्न हमें 3 × 9 × 8 के लिए लगाना है, ठीक है। अगर मैं इसको केयरफुली ऑब्जर्व करूँ, देखो 9 × 5 × 2, जैसे 9 × 5 × 2, अगर मैंने इसका फर्स्ट नंबर लास्ट में लिख दिया और सेकंड डिजिट फर्स्ट नंबर में लिख दी, ठीक है, और थर्ड डिजिट मैंने मिडिल में रख दी, तो 529 ऑप्टेन हो जाता है। ऐसी 472 देख लेते हैं, 4 × 7 × 2, तो फर्स्ट डिजिट लास्ट में पुट कर दी, मिडिल वाली डिजिट फर्स्ट पोजीशन में और थर्ड डिजिट बीच में, तो 724 आ रहा है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 3 × 9 × 8 कैसे ऑप्टेन होगा, फर्स्ट डिजिट लास्ट में, जो बीच वाली डिजिट थी वो फर्स्ट पोजीशन में आ गई और यहाँ पे थर्ड डिजिट बीच में आ गई, तो 983 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें अल्फाबेट सीरीज गिवन है और उसमें मिसिंग टर्म निकालनी है। डायरेक्शन दे रखी है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ लेटर सीरीज इज गिवन इन विच अ टर्म इज मिसिंग शोन बाय अ ब्लैंक विद अ क्वेश्चन मार्क, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ द मिसिंग टर्म। तो अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ना कुछ सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अल्फाबेट सीरीज को सॉल्व करने के लिए इनकी अल्फाबेटिकल पोजिशन लिख लेते ताकि ईजी हो जाए प्रॉब्लम। तो अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखेंगे हम हर अल्फाबेट की, तो आर यू एक्स ए डी और क्वेश्चन मार्क। तो आर की पोजीशन हमें पता है 18 होती है, यू की 21, एक्स की 24, ठीक है, ए की 1 और डी की 4। तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखें हर एक अल्फाबेट का, तो देखिए 21 माइनस 8 18 हो गया प्लस 3, 24 माइनस 24 प्लस 3। अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 26 प्लस 1, क्योंकि 26 अल्फाबेट होता है Z, तो Z के बाद वापस से रिपीट हो जाएगा अल्फाबेट, तो इसकी 26 प्लस 1 27 हो सकती है इसकी पोजीशन, तो इसको 27 लिख देता हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो 27 माइनस 24 प्लस 3 अगेन, तो 4 माइनस 1 अगेन प्लस 3, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉन्स्टेंट आ रहा है प्लस 3 का, तो नेक्स्ट टर्म भी कितनी हो जाएगी, 4 + 3 दैट इज 7, और सेवन्थ पोजीशन किसकी होती है अल्फाबेट में, जी की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जी। सो क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अल्फाबेट सीरीज में बेस्ड है क्वेश्चन, सेम डायरेक्शन दी गई है टू फाइंड द मिसिंग टर्म, तो सीरीज दे रखी है जी एच, सीरीज जी एच जे एल एन क्यू एस डब्ल्यू वाई डी एंड क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इसको केयरफुली देखो, देखिए फर्स्ट टर्म जैसे कि जी की पोजीशन 7, इसकी 8 होती है, ठीक है, जे की 10, एल की 12, नेक्स्ट एन की 14, क्यू की 17, एस की 19, डब्ल्यू की 23, नेक्स्ट वाई की 25 होती है और डी की 4 होती है पोजीशन, ठीक है। अगर मैं केयरफुली यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ फर्स्ट लेटर को, जैसे कि डिफरेंस निकाला 10 - 7 + 3, ठीक है, 14 - 10 + 4, ठीक है, नेक्स्ट 19 - 14 + 5 एंड फाइनली 25 - 19 करा तो +6। तो मेरे को क्या लिख रहा है, फर्स्ट लेटर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 3, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा +7 का, तो 25 + 7 हो गया 32, ठीक है। तो 32 को मैंने 26 से डिवाइड करा, 32 को 26 से डिवाइड करा तो
ये वन टाइम जा रहा है, रिविंटर आ गया सिक्स, ठीक है, तो 26 32 पोजीशन किसकी होगी, जो रिमाइंडर है सिक्स पोजीशन होगी, तो सिक्स पोजीशन हमारी होती है एफ की, तो यहाँ पर आ गया 32 अल्फाबेट होगा एफ, ठीक है। सेकंड लेटर क्या है, 12 माइनस 8 करा तो प्लस 4, 17 माइनस 12 करा तो प्लस 5, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, 23 माइनस 17 प्लस 6, एंड देखो इस 4 को मैं एक तरीके से कैसे लिख सकता था, 4 को 26 प्लस 4 भी लिख सकता था, तो 26 प्लस 4 करते तो यहाँ पे कितना आ जाता, 30, ठीक है, तो 30 माइनस 23 प्लस 7, तो मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 4, यानी कि प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा, प्लस 8 का, तो 30 प्लस 8 हो गया 38। अब अगेन 38th पोजीशन किसकी होती है, देख लेते हैं, 26 से डिवाइड करिए, 26 12 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, तो 38th पोजीशन उसी की होती है जिसकी 12th पोजीशन होती है, रिमाइंडर यहाँ पे 12 है ना, तो 12th पोजीशन हमारी होती थी L की, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ एल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिसिंग टर्म, अगेन अल्फाबेट सीरीज है और इसमें मिसिंग टर्म निकालनी है हमें, तो देख लेते हैं पैटर्न, डब्ल्यू एफ बी, टी जी डी, क्यू एच जी एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग पोजिशन लिख लेते हैं, तो डब्ल्यू की 23, एफ की 6, बी की 2, टी की 20, जी की 7 होती है, डी की 4 होती है पोजिशन, क्यू की 17, एच की 8 एंड जी की 7, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की निकालनी है। अब अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट देखें तो फर्स्ट अल्फाबेट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, जैसे कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, 20 माइनस 23 माइनस 3, नेक्स्ट 17 माइनस 20 माइनस 3, तो फर्स्ट अल्फाबेट में जो कॉन्स्टेंट डिफरेंस दिख रहा है माइनस 3 का, तो नेक्स्ट अल्फाबेट कितना हो जाएगा, 17 माइनस 3 दैट इज 14, और 14th पोजीशन किसकी होती है, एन की, ठीक है। अब फर्स्ट अल्फाबेट एन मुझे तीन ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 1, 2 और 3, तो आंसर तो निकालना पड़ेगा फर्दर सेकंड और थर्ड अल्फाबेट भी, तो सेकंड थर्ड अल्फाबेट देख लेते हैं कैसे बन रहा है। तो देखिए सेकंड अल्फाबेट मैंने देखा कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 6 प्लस 1, नेक्स्ट 8 माइनस 7 प्लस 1, तो मैं देख रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट डिफरेंस आ रहा है सेकेंड डिजिट सेकेंड अल्फाबेट में प्लस 1 का, तो नेक्स्ट अल्फाबेट कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज 9, और 9th पोजीशन किसकी होती है अल्फाबेट सीरीज में आई की, ठीक है। तो फाइनली थर्ड अल्फाबेट निकाल लेते हैं, थर्ड अल्फाबेट में क्या लॉजिक लग रहा है, थर्ड अल्फाबेट में 4 माइनस 2 प्लस 2 का डिफरेंस, नेक्स्ट 7 माइनस 4 प्लस 3 का डिफरेंस, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड अल्फाबेट में जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 प्लस 2 प्लस 3, नेक्स्ट कितना हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा, तो 7 प्लस 4 हो गया 11, और 11th पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में होती है के की, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन आई के, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 9th के लिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डबल कॉलन एंड वन नंबर इज गिवन ऑन राइट साइड ऑफ डबल कॉलन व्हाइल अनदर नंबर इज टू बी फाउंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव हैविंग द सेम रिलेशनशिप विद दिस नंबर एज द नंबर्स ऑफ द गिवन पेयर बेयर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में 25:125 ये जो है 25:125 का कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप निकाले 36:00 क्वेश्चन मार्क का। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे एग्जाम में, ठीक है, दो तरीके से एस टी एस सी में कर सकते थे इसको, जैसे 25:5 करा, 25:5 करा तो 125 आ रहा है, तो इसी मेथड से हमने करा 36:5, तो 36:5 आ गया 180, तो आंसर उस हिसाब से क्या आ रहा था, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड मेथड इसका क्या था कि मुझे दिख रहा है 25:125 ये कैसे बन रहा है, 25 है 5 का स्क्वायर,
और 125 है 5 का क्यूब, तो सिमिलरली पैटर्न देख लेंगे 36 रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो 36 किसका हो गया 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था क्वेश्चन मार्क में 6 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 5 स्क्वायर 5 क्यूब था, यहाँ 6 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, दैट इज 6 क्यूब इज इक्वल टू 216। तो इस हिसाब से आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो जब आंसर की देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट है, लेकिन एसटीएससी ने जो फाइनल आंसर की रिलीज करी थी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 216 इज द राइट आंसर, डबल कॉलन 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे मिसिंग टर्म निकालनी है हमें, ठीक है, तो 5 रेशियो 36 ये कैसे बनता हुआ दिख रहा है, देखो 5 से 36 कैसे बनता हुआ दिख रहा है, अगर मैंने 5 प्लस 1 फर्स्ट नंबर प्लस 1 कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर, दैट इज 36 के बराबर, तो सेकंड नंबर मिल गया। तो इसी तरीके से 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर हो गया 49। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज एनबीई एसबीटी देन हाउ विल बी बॉम्बे रिटन इन दैट कोड। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, जैसे मद्रास है ठीक है, उसको कैसे लिख रहे हैं एनबीई एसबीटी, तो देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा था, इसको मतलब नंबर हमें अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखो एम प्लस वन करेंगे तो एन आ जाएगा, एम के बाद डायरेक्टली एन आता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिए थे कोडिंग में, ए के बाद क्या आता है बी, यानी कि प्लस वन करेंगे तो बी आ जाएगा, ए प्लस वन करेंगे तो बी आ जाएगा, डी प्लस वन करेंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है, आर प्लस वन करेंगे तो एस आ जाएगा, आर के बाद एस आता है, देन ए के बाद बी आता है प्लस वन करेंगे तो एस के बाद क्या आता है टी आता है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा था, हर एक लेटर में क्या दिख रहा था प्लस वन हो रहा था। तो सिमिलरली हम बॉम्बे का कोड देख लेते हैं, बॉम्बे कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आ जाएंगे, अल्फाबेट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो बी के बाद आता है सी, देन ओ पी, ठीक है, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी आता है और वाई के बाद जी आता है, तो आंसर हो जाएगा सी पी एन सी बी जी। तो ये ऑप्शन मुझे दिखा था ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी प्रॉब्लम थी ये तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इफ ई इज इक्वल टू 5 पेन इज इक्वल टू 35 देन पेज इज इक्वल टू, तो अगर हम केयरफुली इसको ऑब्जर्व करें, ई है देखिए, ई की हमारी पोजीशन क्या होती थी, अल्फाबेटिकल पोजीशन 5 होती थी, तो 5 के बराबर लिख दिया, ठीक है, अब पेन है, पेन की अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख लेते हैं, हर एक लेटर की पी की 16 होती है, ई की 5 होती है और एन की 14 होती है, तो अगर मैंने इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन है जो उसको ऐड कर दिया, यानी कि 16 प्लस 5 प्लस 14, तो आंसर आ जाता है 35 के बराबर। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे थे, अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड कर रहे थे, ठीक है, फ्रंट से जो अल्फाबेट्स की पोजीशन है उनको ऐड कर दिया, तो आंसर मिल रहा है, तो ई तो यहाँ पे 5 ही था, तो इसलिए 5 के बराबर ये लिख दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर पेज देखें तो पेज में P की 16 होती है, A की 1, G की 7 होती है और E की 5 होती है पोजीशन, तो 16 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 1 29, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 29, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दे रखा है हमें, If X is brother of the son of Y's son, then how is X related to Y? अब क्या बोला है? X क्या है? यहाँ पे ये जो है blood relation से दिया गया question है, इसमें बोला गया है कि X है, वो brother है of the son of Y's son. So हम इसको start करते हैं. Y का X is brother of son of Y's son. मतलब Y का जो son है, Y's son. ठीक है? उसके सन है, मतलब वाइस का सन का सन, ठीक है, उसका ब्रदर कौन है, एक्स है, ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ, अब देख लीजिए, एक्स इज द ब्रदर ऑफ
सन ऑफ वाई सन, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर हमारा डायग्राम बन जाएगा इसका, ब्लड रिलेशन का जो हम बोलते हैं ट्री डायग्राम बनाते हैं, तो ये बनेगा। तो इसमें पूछा गया देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स कैसे रिलेटेड होगा वाई से, तो एक्स कैसे होगा ग्रैंड सन होगा, ठीक है वाई का, तो हम क्या बोल सकते हैं ये ग्रैंड सन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। अब फिगर दे रखा है, इसमें पूछा कि कितने ट्राइंगल बनेंगे इस गिवन फिगर में, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए सॉल्व करना। तो जैसे हमने नंबरिंग कर ली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसमें देखिए जो ट्राइंगल हमें ऑप्टेन होते हुए दिख रहे हैं वो कौन कौन से दिख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो छोटे ट्राइंगल देख लेते हैं जो साइज वन के, तो देखिए साइज वन के तो मार्क कर ही रखे मैंने कि कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर थर्ड फिगर, ठीक है सेकंड फिगर थर्ड फिगर फोर्थ फिगर एंड फिफ्थ फिगर, ये तो पांच ट्राइंगल हो गए जो छोटे वाले, ठीक है। अब साइज टू के देख लेते हैं, साइज टू का मतलब कि दो दो ट्राइंगल बन रहे हो, जैसे कि तो देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है कॉम्बिनेशन फोर्थ और फिफ्थ का, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ का एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है वन और फाइव का, ये देखें वन और फाइव का, तो वन और फाइव का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं साइज टू का, देखिए फर्स्ट और सेकंड का दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड, तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया फर्स्ट सेकंड का, ठीक है। सिमिलरली साइज टू का एक और दिख रहा है मुझे थ्री और फोर का, एक कॉम्बिनेशन हो गया थ्री और फोर का, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड और टू का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट थ्री और टू का कॉम्बिनेशन, अगर देखो ये वाला कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, एक थ्री साइज थ्री का, ठीक है। फर्स्ट थर्ड और सेकंड फिगर वो भी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट साइज थ्री का एक और दिख गया ऐसे मुझे, नंबरिंग कर देता हूँ दोबारा, ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। एक और ऐसा फिगर बनता हुआ दिख रहा है साइज का, फोर्थ टू और थ्री, साइज थ्री का फोर टू और थ्री बन गया, सिमिलरली फोर टू और थ्री, ये एक और फिगर बन गया, ठीक है। और फाइनली एक बड़ा फिगर बन रहा है ओवरऑल, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का, ठीक है। तो ये टोटल मेरे को ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, तो अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं कितना हो जाता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल ट्राइंगल यहाँ पे जो ऑप्टेन हो रहे हैं वो मेरे पास कितने हो रहे हैं 12 ट्राइंगल, ये टोटल मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया था ये, इफ अ क्यूब ऑफ 25 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम देन द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब थस फॉर्म्ड विल बी। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स यानी कि एन किसके बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब यानी कि, तो साइड का क्यूब यानी कि इसमें साइड का क्यूब कितना देगा 25 का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब साइड निकालनी है तो ए डिटरमाइन करना है, और एन यहाँ पे मुझे गिवन है कि कितने में डिवाइड हुआ है 125, तो एन को पुट कर देता हूँ यहाँ पे 125, ठीक है। तो फाइनली ए क्यूब कितना हो जाएगा 25 into 25 into 25 by 125,
तो अगर इसको कैंसिल करेंगे 25 से 5 टाइम्स हो गया 125 कैंसिल और 5 टाइम्स ये हो गया, तो ए क्यूब आ गया 25 इंटू 5 दैट इज 125 और फाइनली क्यूब रूट ऑफ 125 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5. तो स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर. दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इफ द नेशनल डे ऑफ द कंट्री वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फोर्थ सैटरडे ऑफ अ मंथ देन द डेट ऑफ सेलिब्रेशन वॉज इट इज गिवन दैट फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ इज ट्यूजडे. अब देखो क्या हो रहा है कि हमसे डेट पूछी गई है नेशनल डे कब सेलिब्रेट होगा. ठीक है, गिवन है कि फोर्थ सैटरडे को सेलिब्रेट होगा नेशनल डे. ठीक है, और आगे हमें कंडीशन दे दी कि फर्स्ट डे जो था यानी कि फर्स्ट डे था उस दिन ट्यूजडे था. ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डेट वन को ट्यूजडे था. ठीक है, यानी कि फर्स्ट ट्यूजडे था. ठीक है, तो ये कौन सा था, फर्स्ट ट्यूजडे था. इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्यूजडे. ठीक है, अब सेकंड ट्यूजडे कब फॉल हुआ होगा, सेकंड ट्यूजडे हमारे पास कितना होगा कि अगर 1+7 कर दूं, भाई 7 दिन बाद ही तो आएगा, तो 1+7 करूंगा तो 8 तारीख को अगेन ट्यूजडे आ जाएगा. ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड ट्यूजडे. ठीक है, अब अगेन ट्यूजडे कब फॉल होगा, जब मैं +7 कर दूंगा. ठीक है, 7 दिन भी आदि आएगा तो 8+7 करूंगा तो 15 को भी ट्यूजडे होगा. और ये कौन सा ट्यूजडे होगा, थर्ड ट्यूजडे. ठीक है, अगेन ट्यूजडे कब आएगा कि 15+7 करने दैट इज 22, तो 22 को अगेन ट्यूजडे आ जाएगा. और ये कौन सा होगा, फोर्थ ट्यूजडे. अब हमसे क्या पूछा है कि फोर्थ सैटरडे को नेशनल डे होता है, तो फोर्थ ट्यूजडे ऑब्वियस बात है सैटरडे से पहले आता है. तो अब वेडनेसडे को कब होगा, 23rd को, 22 को क्योंकि ट्यूजडे, 23rd को वेडनेसडे, फिर 24th को थर्सडे, 25th को फ्राइडे और फाइनली 26th को हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ सैटरडे. 26th को क्या आ जाएगा, फोर्थ सैटरडे. सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये अटेम्प्ट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. द टाइम ऑन द क्लॉक इज 9:15 एंड द आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द वेस्ट. द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज. सो क्या बोल रहा है हमसे कि क्लॉक में 9:15 हो रहे हैं. ठीक है, एंड आर हैंड जो पॉइंट करती है वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करती है. तो अगर हम जनरल क्लॉक का डायग्राम बनाएं तो क्लॉक कैसे होता है, ऐसे ही होता है फिगर. ठीक है, ये क्लॉक होती है जनरल. ठीक है, अब टाइम हो रहा है 9:15, तो आर हैंड जो होती है वो 9 की तरफ होगी, छोटी सुई यानी कि. ठीक है, और जो बड़ी वाली सुई है वो 3 की तरफ होगी, तब ना कि 9:15 होगा, 9:15 कुछ ऐसे ही बच रहा है. ठीक है, अब क्या बोला गया है, आर हैंड पॉइंट करती है टूवर्ड्स द वेस्ट. अब आर हैंड वेस्ट की तरफ है. ठीक है, और हमें एक लॉजिक पता है कि जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, डायरेक्शन एनी एस डब्ल्यू क्लॉक वाइज होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉक वाइज चलती है. ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट दे रखा है, तो अगेन हम देखें तो डायरेक्शन कैसे बैठेगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज हो गया ना. देखो क्लॉकवाइज चल रही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. ठीक है, ये हमारा लॉजिक लगता है. तो अब हमसे क्या पूछा गया था, द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज, मिनट हैंड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ईस्ट में होगी. ठीक है, थर्ड ईस्ट की तरफ है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल. सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल. गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. सचिन गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल. सो ये हमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है इसके बारे में, जनरल पजल टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया. तो अब इसमें हमसे पूछ लिया हु इज गुड इन, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है क्वेश्चन 18 वो पूछा गया हु इज गुड इन हॉकी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. तो सबसे पहले तो इस पजल को हम सॉल्व कर दें, देख लेते हैं. तो देखो
सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले नेम देख लेते हैं, जो टोटल नेम्स हैं वो कौन कौन से। एक तो हमारे पास है रवि, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुणाल, रवि कुणाल एंड सचिन। रवि ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट गौरव, कुणाल ऑलरेडी आ चुके हैं, और फाइनली सचिन, गौरव एंड माइकल, एक माइकल, ठीक है। ये टोटल पर्सन है, रवि कुणाल, सचिन, गौरव और माइकल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टोटल स्पोर्ट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। जैसे कि एक है हॉकी, नेक्स्ट वॉलीबॉल, हॉकी वॉलीबॉल एंड हॉकी एंड बेसबॉल, एक है बेसबॉल एंड क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल है, एंड फाइनली फुटबॉल एंड बेसबॉल, तो फुटबॉल और बेसबॉल आ चुका है, ठीक है। ये टोटल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, तो रवि और कुणाल किस में अच्छे हैं, हॉकी और वॉलीबॉल में, तो जिसमें अच्छे हैं उसको टिक कर देते हैं, हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं रवि और कुणाल। नेक्स्ट सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, तो सचिन और रवि, रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छा है, तो हॉकी में तो है और बेसबॉल में भी अच्छा है रवि, और सचिन हॉकी और बेसबॉल में अच्छा है, सचिन हॉकी और बेसबॉल। नेक्स्ट गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, कुणाल किस में अच्छा है, क्रिकेट और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में अच्छा है और क्रिकेट में भी अच्छा है, और गौरव क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, ठीक है। एंड फाइनली सचिन, गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल, माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है, फुटबॉल और बेसबॉल, सचिन फुटबॉल और बेसबॉल, फुटबॉल में अच्छा है, बेसबॉल में अच्छा है ही है। एंड फाइनली गौरव फुटबॉल और बेसबॉल। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम जो फाइनली हमें ऑप्टेन हो रहा है, ठीक है। ये हमें डायग्राम ऑप्टेन हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज गुड इन हॉकी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है, तो देख लेते हैं। हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल, इन तीनों में अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम देखें, देखिए मेरे को ऑप्शन नंबर ये कुणाल दिख रहा है कि हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा कि जो तीनों में अच्छा दिख रहा हो, क्योंकि तीनों में टिक होना चाहिए, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में। तो आंसर हो जाएगा इस हिसाब से कुणाल, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु इज गुड इन बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। तो अगेन क्या बोला है कि बेसबॉल में भी अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और वॉलीबॉल में भी अच्छा हो और फुटबॉल में भी अच्छा हो, ठीक है। चार केसेस में अच्छा होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं फोर स्पोर्ट्स में कौन अच्छा था, तो इन चारों स्पोर्ट्स में जो अच्छा था वो था गौरव, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन थ्री इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज गुड इन बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी। तो बेसबॉल वॉलीबॉल और हॉकी में, तीनों में अच्छा जो प्लेयर था वो था रवि, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर थ्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वेन डायग्राम में बेस्ड है, ठीक है, डायग्राम जो है उस पर बेस्ड है। इसकी कंडीशन कुछ दे रखी है हमारे फिगर में, तो वो फिगर की कंडीशन आइडेंटिफाई करके हमें आंसर करना है। तो डायरेक्शन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इन द अबव डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, अब रेक्टेंगल है ये आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर्स को। एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, ट्राइंगल जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन इस पर जो पूछा गया वो है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स, तो ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो ना ही आर्टिस्ट हैं और ना ही डॉक्टर हैं,
ठीक है। तो अब देख लेते हैं, देखो सबसे पहले देखना है हमें प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के इसमें प्लेयर्स आएंगे सर्किल के अंदर, और ना ही वो आर्टिस्ट होने चाहिए और ना ही डॉक्टर होने चाहिए, यानी कि वो ना तो रेक्टेंगल के अंदर आए ना ट्राइंगल के अंदर आए, ठीक है, ना ट्राइंगल के अंदर ना रेक्टेंगल के अंदर। तो ऐसे कौन सा दिख रहा है मुझे, ये वाले प्लेयर्स दिख रहे हैं 25 प्लेयर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 25, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स बट नॉट डॉक्टर्स। तो ऐसे में बोला कि ऐसे कितने आर्टिस्ट होंगे जो प्लेयर्स तो होंगे बट डॉक्टर नहीं होंगे। तो आर्टिस्ट प्लेयर होने चाहिए, प्लेयर का मतलब जो रेक्टेंगल है वो सर्कल के अंदर आ जाए, रेक्टेंगल और सर्कल एक साथ आने चाहिए, लेकिन उसमें ट्राइंगल नहीं आना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल डॉक्टर को शो करता है। तो अगर मैं देखूँ वो पार्ट, तो जो आर्टिस्ट प्लेयर है यानी कि रेक्टेंगल और सर्कल जहाँ आ रहा है वो ये है, लेकिन इसमें ट्राइंगल नहीं आ रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 22। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आर्टिस्ट आर नाइदर डॉक्टर्स नॉर प्लेयर। ऐसे आर्टिस्ट देखते हैं जो ना ही डॉक्टर हो ना ही प्लेयर हो, यानी कि वो खाली आर्टिस्ट ही होने चाहिए। तो ऐसे आर्टिस्ट खाली किसके अंदर होने चाहिए, खाली रेक्टेंगल के अंदर चाहिए होने चाहिए। तो ऐसे रेक्टेंगल के अंदर मुझे आर्टिस्ट दिख रहे हैं ये 30, ये 30 दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30। नेक्स्ट हाउ मैनी डॉक्टर्स आर नाइदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट। हमें ऐसे डॉक्टर देख रहे हैं जो ना ही प्लेयर्स हो ना ही आर्टिस्ट हो, यानी कि खाली वो डॉक्टर ही होने चाहिए। तो डॉक्टर किसको शो करता है, ट्राइंगल को, तो वो खाली ट्राइंगल के अंदर होने चाहिए, ना ही सर्कल के अंदर ना ही रेक्टेंगल के अंदर। तो वो दिख रहा है 17, ये दिख रहा है ना, वो खाली ट्राइंगल के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर एंड आर्टिस्ट बोथ। तो ऐसे डॉक्टर देख रहे हैं जो प्लेयर्स भी हो और आर्टिस्ट भी हो। तो ऐसे डॉक्टर यानी कि वो ट्राइंगल के अंदर सर्कल भी होना चाहिए और रेक्टेंगल भी होना चाहिए। तो सर्कल रेक्टेंगल और ट्राइंगल जो तीनों जगह आ रहा है वो है ये 3, ठीक है, 3 जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर देखें क्वेश्चन नंबर 26 जनरल काउंटिंग से करेंगे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन बिलो। तो कितने ट्राइंगल्स होंगे इसमें पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका साइज देख लेते हैं। देखो साइज और अपवर्ड में जो ट्राइंगल बन रहे हैं और डाउनवर्ड में जो ट्राइंगल बन रहा है, दोनों देखेंगे केस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले साइज 1 का देख लेते हैं, सबसे छोटे ट्राइंगल जो बन रहे हैं, ठीक है, साइज 1 के ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। तो फर्स्ट साइज 1 के ट्राइंगल अगर देखें केयरफुली तो कितने बन रहे हैं, देखिए ये अपवर्ड देख लेते हैं सबसे पहले अपवर्ड। तो देखो फर्स्ट ये देखो, एक तो ये बन गया फर्स्ट, नेक्स्ट सेकेंड ये, नेक्स्ट थर्ड ये बन गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये, सेवेंथ एट्थ नाइन और ये 10। ये टोटल कितने बन गए साइज 1 के, 10 अपवर्ड की तरफ, मतलब वर्टेक्स ऊपर की तरफ है ना इनका, ठीक है, ये तो 10 हमें साइज 1 के दिखते हैं। अब देखो साइज 1 के डाउनवर्ड देख लेते हैं कि डाउनवर्ड की तरफ जो ट्राइंगल बन रहे हैं, सबसे पहले ये एक बन रहा है 1, ये देखो ये फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, फिर ये सेकंड ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो सेकंड ट्राइंगल, ठीक है, ये थर्ड ट्राइंगल बना, ठीक है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो ऐसे टोटल 6 ट्राइंगल बन गए डाउनवर्ड में, तो हमने लिख दिया 6। नेक्स्ट अब साइज 2 के देख लेते हैं, साइज 2 के ट्राइंगल टोटल कितने बन रहे हैं। तो साइज 2 के मतलब दो दो ट्राइंगल आने चाहिए उसके अंदर, तो देख लेते हैं। देखो दो दो ट्राइंगल मेरे को कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये अपवर्ड में ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल देखो कौन सा दिख रहा है, ये एक दूसरा ट्राइंगल दिख गया, ये सेकंड, ठीक है, फिर थर्ड ट्राइंगल ये दिख गया, ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ट्राइंगल ये,
फिफ्थ ट्राइंगल ये बन रहा है एंड फाइनली सिक्स ट्राइंगल ये बन गया। तो ये सिक्स छह ट्राइंगल अपवर्ड में बन रहे हैं, ठीक है। एंड साइज टू के अब डाउनवर्ड में देखते हैं, डाउनवर्ड में कितने बन रहे हैं। तो साइज टू के डाउनवर्ड में अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो खाली एक ही ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है ये, इसके अलावा कोई सा भी ट्राइंगल डाउनवर्ड में दिख रहा, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल बन गए डाउनवर्ड में, वन, ठीक है। अब साइज थ्री के देख लेते हैं, साइज थ्री के कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, यानी कि तीन तीन के आने चाहिए अब ट्राइंगल। अब देखो तीन तीन के ट्राइंगल, जैसे कि एक तो ये बनता हुआ दिख गया, ठीक है, एक ट्राइंगल ये। नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल देखो, सेकेंड ट्राइंगल ये बन रहा है तीन तीन में, ठीक है। थर्ड ट्राइंगल ये बन गया, तो ये तीन तीन के ट्राइंगल बन गए, तो साइज थ्री के तीन ट्राइंगल बन गए, ठीक है। और जब डाउनवर्ड में देखूंगा साइज थ्री में, तो साइज थ्री में डाउनवर्ड में एक भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, चेक कर लेना। तो इसके हो गया जीरो, डाउनवर्ड में एक भी साइज थ्री के नहीं बन रहा। और साइज फोर के फाइनली, साइज फोर के अगर मैं देखूंगा तो खाली मुझे एक ही ट्राइंगल दिख रहा है, ये पूरा पूरा का पूरा। तो ये हो गया एक वन ट्राइंगल। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, हम टोटल कर लें इसका, तो टोटल ट्राइंगल बन रहे हैं 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं 16, 22, 25, 26, 27, तो 27 टोटल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो मिसिंग टर्म पूछिए, अब मिसिंग टर्म इन फिगर का क्वेश्चन है। तो अगर इसमें देखें तो इजीली मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है पैटर्न, देखिए क्या क्या, ये 4 है, इसके अपोजिट अगर मैं गया तो 4 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है, 64। नेक्स्ट 7 के अपोजिट मुझे क्या दिख रहा है, 7 का क्यूब, दैट इज 343। तो 11 है, 11 के अपोजिट मुझे क्या दिखना चाहिए, 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। इजी क्वेश्चन है, अगर मैंने देखो ये जितने भी सराउंडेड नंबर है ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बीच वाला नंबर 21 है, तो कैसे बन सकता है। अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 64 करा तो 8 आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 करा तो 7 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 करा तो कितना आ गया, 6। और अगर इन सब डिजिट को ऐड कर दिया, 8 प्लस 7 प्लस 6, तो कितना आता है, 21 आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 121 करा तो 11, 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 करा तो 10, स्क्वायर रूट ऑफ 81 करा तो 9, तो 11 प्लस 9 प्लस 10 करा तो 11 प्लस 9 प्लस 10 हो गया 30। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन अगर देखें कैसा बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम को देखना है, हमें इस क्वेश्चन के लिए कॉलम को देखना है, मिसिंग टर्म इन फिगर का है, तो कॉलम देखते हैं। तो C1 देखा हमने, इसमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड कर दिया, दैट इज 2 प्लस 6, और हमने उसको सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 4, तो ये हो जाता है 8 इंटू 4, 32 ऑप्टेन होता हुआ दिख गया, यानी कि फोर्थ नंबर। सिमिलरली C2, कॉलम 2 को देखते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं, 3 इंटू 7 इंटू सेकेंड नंबर कर देते हैं, तो 10 इंटू 5 50, फोर्थ नंबर ऑप्टेन होता हुआ दिख गया। अगेन C3 के लिए क्या करेंगे, 8 प्लस 12 कर देंगे इंटू 10, तो 20 इंटू 10 फाइनली 200 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 200, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट हमें डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 to 32 दे गिवन थी, डायरेक्शन कुछ ऐसे दी थी, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ए इज द सन ऑफ बी एंड सी, बी सिस्टर हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी,
ट्री डायग्राम एज पर गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस ट्री स्क्वायर डिनोट्स मेल एंड सर्कल डिनोट्स फीमेल पर्सन ऑन द सेम लेवल और ऑफ द सेम जनरेशन. सो डायरेक्शंस में क्या गिवन था हमें, सबसे पहले एक बात गिवन है कि ए जो है दैट इज सन ऑफ बी, सो ए इज द सन ऑफ बी. ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि सी जो है वो बीज सिस्टर है, सो सी इज बीज सिस्टर. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी सी बीज सिस्टर हैज अ सन डी, और जो सी है उसका सन एक डी है. ठीक है, एंड अ डॉटर ई, और एक डॉटर है उसकी ई. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, एफ जो है मैटरनल अंकल है किसका, डी का. ठीक है, और इसके बेसिस में हमें ट्री डायग्राम दे दिया था. ठीक है, तो इस ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना था और गिवन क्वेश्चन को आंसर करना था. ठीक है, अब यहाँ पे और दे रखा है कि स्क्वायर डिनोट करता है मेल को, जो स्क्वायर है वो मेल को डिनोट करेगा और जो सर्कल है वो फीमेल को डिनोट करता है. तो इसके बेसिस में हम क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे होगा रिलेटेड डी से. तो देखिए ए यहाँ पे और डी इधर है. ठीक है, ए इज द सन ऑफ बी एंड डी इज द सन ऑफ सी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, ये गिवन है. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए और डी आपस में क्या है, कजिन है. तो हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, नन ऑफ दीज, दीज आर कजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई कैसे रिलेटेड होगा एफ से. तो देखिए ई देखिए ये रहे है ना, और ई यहाँ पे, और ये क्या है फीमेल क्योंकि सर्कल में डिनोट कर रहा है, और एफ इधर है और ये होगा मेल क्योंकि स्क्वायर डिनोट्स मेल. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें ई क्या होगा, नीस हो जाएगी एफ की. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन है हाउ मैनी नेफ्यूज डस एफ हैव, एफ के कितने नेफ्यूज होंगे. तो बेसिकली अगर देखें स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल, तो हम यहाँ पे देखें ए एक तो मेल होगा और एक डी होगा मेल, और ई तो फीमेल थी. तो एफ के अगर यहाँ पे नेफ्यूज देखें तो टोटल 2 नेफ्यूज हैं ए एंड डी, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, अगेन मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था. इफ अ क्यूबॉइड विद अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, देन द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विल बी. सो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स एंड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बाद क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मींस 10 इंटू 8 इंटू 8, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हो जाएगा साइड का क्यूब, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, साइड का क्यूब यानी 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ. तो 2 देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो n कितना हो गया 10 इंटू 8, दैट इज 80. सो कितने स्मॉलर क्यूब समझेंगे यहाँ से, 80, आंसर इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इन ईच ऑफ द 12 डिजिट ऑफ अ क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू इन द सीक्वेंस 1/A, 2/E एंड सो ऑन, देन द आर्स हैंड बिटवीन विच पेयर ऑफ वॉवल्स एट 9:30 AM. तो 9:30 AM में हमारे किन दो वॉवल्स के बीच में होगी, किन दो वॉवल्स के बीच में होगी आर हैंड. सबसे पहले क्लॉक कैसे होती है, इस तरीके से होती है. ये क्लॉक हो गई. अब इसने क्या बोला है कि हम 1 को A से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि 1 की जगह A आ जाएगा. ठीक है, अब हमें वॉवल्स कैसे रिप्लेस करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग. A के बाद आ जाएगा E, देन I, देन O, देन U. अब U के बाद अगेन A आ जाएगा, E,
आई ओ यू, देन अगेन ए और ई, खत्म, फिर ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या आ गए, इंग्लिश अल्फाबेटिकल वॉवल्स आ गए, ठीक है। अब क्या बोला है कि देन आर हैंड विल बी बिटवीन विच पेयर्स ऑफ वॉवल्स, जो आर हैंड है वो किन दो वॉवल्स के बीच में होगी। तो 9:30 हमारे पास कैसे बजेंगे, 9:30, ठीक है, 9:30 इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब 9:30 में हमारे जो आर हैंड है वो किन दो के बीच है, ओ यू के बीच है, ठीक है, ओ और यू, मतलब 9 से थोड़ी आगे बढ़ जाती है ना आर हैंड, तो यहाँ पे किन तो वॉवल्स के बीच में आ गए, ये 9 जो आर हैंड है ओ और यू के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच नंबर हैज कम मैक्सिमम टाइम इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, तो इस सीरीज में मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया ये पूछा गया। तो अगर सीरीज हम केयरफुली देखें, सबसे पहले देख लेते हैं 5 कितनी टाइम्स आया, देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आ गया हमारे पास 5 टाइम्स। नेक्स्ट 4 देख लेते हैं, 4 कितने टाइम्स आया, 1, 2, तो 4 तो देखो 2 टाइम्स आया, तो मैक्सिमम टाइम तो आया नहीं 4। नेक्स्ट 3 के लिए देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 3 भी 4 टाइम्स आया, तो मैक्सिमम टाइम 5 उससे ज़्यादा बार आ ही रहा है। नेक्स्ट 3 नहीं आया, नेक्स्ट 8 देख लो, 1, 2 टाइम्स आया 8, तो मैक्सिमम टाइम नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2, यहाँ पे 1 बार ही आया, 2 भी मैक्सिमम टाइम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इफ इन सर्टेन कोड लैंग्वेज रमन इज रिटन एज 18 11 18 11 3 1 1 4, देन हाउ विल बी कपिला बी रिटन इन दैट कोड। तो अगर मैं देखूँ रमन, तो रमन देखिए, रमन का कोड है, अब देखो अगर मैंने रमन हर एक लेटर की मैंने अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखी थी, जैसे कि आर की 18, ए की 1, एम की 13, ए की 1 और एन की 14, तो मेरा कोड बन रहा है 18 11 3 11 4, ठीक है। तो अब मैं अल्फाबेटिकल पोजीशन ही लिखनी थी, ठीक है, तो कपिला की कोड क्या हो जाएगा, कपिला का कोड हो जाएगा के की 11 होती है पोजीशन, ए की 1 होती है, ठीक है, 11 1, पी की 16, नेक्स्ट आई की 9 होती है, एल की 12 और ए की 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 times 1 69 और 1 to 1, 4 times 1 69 1 to 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड एंट इज इक्वल टू 35, देन पैट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देख लेते हैं ए की पोजीशन, अल्फाबेटिकल पोजीशन दी है 1, तो हमने कोड दे दिया 1, ठीक है। अब एंट की अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखते हैं, ए की 1, एन की 14 और टी की 20, अगर मैं इन अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड कर दूं 20 + 14 + 1, तो वो 35 के बराबर आ गया। तो सिंपली क्या कर रहा था, अल्फाबेटिकल पोजीशन को हम ऐड कर रहे थे उनके, तो सिमिलरली पैट है, पी की 16 होती है, ए की 1 और टी की 20, तो मैंने 16 + 1 + 20 करा, तो मेरे पास आंसर आता है 37, सो आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येल्लो एंड येल्लो इज कॉल्ड वायलेट, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ ग्रास। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि कलर ग्रास का क्या होता है, ग्रीन होता है, यहाँ पे ग्रीन को क्या बोला गया है, अगर हम देखें यहाँ पे ग्रीन को बोला गया है रेड, तो ग्रास का कलर क्या हो जाएगा, ग्रास का कलर ग्रीन और ग्रीन को हम क्या बोल रहे हैं, रेड, तो आंसर हो जाएगा रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑल्टरनेटिव शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 3 raised to power 6 एंड 4 raised to power 5, तो यहाँ पे हमें सिंबल देखना है कि कौन सा जो सिंबल है वो करेक्टली लगेगा यहाँ पे। तो मुझे पता है 3 raised to power 6
होता है 729 के बराबर, ठीक है, 4 raised to power 5 होता है 1024 के बराबर। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है 1024 729 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये सिंबल आना चाहिए कि 4 raised to power 5 बड़ा है 3 raised to power 6 से, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब पी 3x² + 3x ब्रैकेट क्यू प्लस ब्रैकेट क्यू एंड 1 इज इक्वल टू 0, देन साइंस ऑफ इन प्लेस ऑफ पी एंड क्यू आर। अब यहाँ पे क्या है, हमें सिंपल बोल दिया कि पी और क्यू के बीच में साइन क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्स माइनस वन क्या है, फैक्टर है इस किसका, क्यूबिक जो हम बोल रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन का हमें वो दे रखा है फैक्टर। तो हमें पता है कि फैक्टर थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, फैक्टर थ्योरम मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, तो फैक्टर थ्योरम क्या है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ए बी एनी रियल नंबर सच दैट व्हेन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमारी थ्योरम थी, फैक्टर थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी ऑफ वन होगा, अगर हम इसको पी एक्स पॉलिनोमियल मान लें, दैट इज एक्स क्यूब पी 3x² + 3x³ एंड 1, ठीक है, अगर हम x माइनस वन फैक्टर मान रहे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, p ऑफ 1 0 के बराबर हो जाएगा, तो p ऑफ 1 0 के बराबर होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x की जगह 1 पुट कर लो, 1 क्यूब x इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो 1 क्यूब p 3 1² + 3 1 क्यूब और ये 1, ठीक है। अब सिंपल देख लेते हैं कि देखिए 1 + 3 ये एक तरीके से क्या बन रहा है, 1³ p, ठीक है, और ये बन गया 3, 1³ 1 बन गया ना, 1p³ + 3q1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिंपल, देखो ये प्लस 3 है, अब मैं इस प्लस 3 को कैंसिल कैसे कर सकता हूँ जब ये -3 बन जाए, सिंपल है लॉजिक। तो इस p की जगह अगर मेरे पास माइनस आ जाए तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये 1 कैसे कैंसिल हो सकता है, जब q की जगह माइनस आ जाए तो -1 आ जाए, तो p और q की जगह मैंने क्या देख दिया कि -1 आ रहा है, तब जाके ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे p और q की जगह क्या आना चाहिए, -1, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विद वन मिसिंग टर्म, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है हमें, मिसिंग टर्म निकालनी है, तो देख लेते हैं AFI JOR MRU, सबकी अल्फाबेटिकल पोजिशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं केयरफुली नंबर को ऑब्जर्व करूं तो विद इन द हमारे जो ग्रुप ऑफ लेटर है उसी में पैटर्न लग रहा है, कैसे, अगर मैंने 6 - 1 इसका डिफरेंस लिया +5 आ गया, 9 - 6 करा तो +3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 15 - 10 करा तो +5, नेक्स्ट 18 - 15 करा तो +3, 18 - 13 करा +5, 21 - 18 +3, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे नंबर में +5 + 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो सेम मेरे को ऑप्शन में भी दिखना चाहिए +5 + 3 का डिफरेंस। तो अगर मैं जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 देखूँ HMP, H की पोजीशन 8, M की 13 और P की 16, तो यहाँ पे 13 - 8 + 5 और 16 - 13 + 3 का डिफरेंस आ रहा है, +5 + 3 का डिफरेंस आ गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 HMP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज में, फाइंड द मिसिंग टर्म और सीरीज दे रखी है BC, देखो कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास अल्फाबेट दे रखे हैं BC, अब B को छोड़ दिया, ठीक है, B को छोड़ के फिर CDE 3 ले लिए, ठीक है,
पहले दो थे फिर तीन लिए, अब सी को छोड़ दिया फिर डी ई ले लिया फिर दो लिए, फिर डी को छोड़ा फिर तीन लिए ई एफ जी कॉन्जिक्यूटिव लेटर, अब ई को छोड़ा और एफ जी ले लिए दो लेटर, अब एफ को छोड़ेंगे और तीन लेटर लेंगे तो तीन लेटर एफ को छोड़ के कितने आएगा जी एच आई, तो जी एच आई आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इन अगेन हमारे पास ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, हमें मिसिंग टर्म आइडेंटिफाई करनी है, तो देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो कैसे चल रही है। देखिए जो अल्फाबेट है उसी के मुझे क्या दिख रहे हैं ये अल्फाबेट्स की अल्फाबेटिकल पोजिशन दिख रही है साइड में, जैसे सी की अल्फाबेटिकल पोजिशन 3 है, ई की 5 होती है, जी की 7, आई की 9 होती है अल्फाबेटिकल पोजिशन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो नंबर है वो प्लस 2 के साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 11, और 11th अल्फाबेटिकल पोजिशन किसकी होती थी के की, ठीक है, 11 प्लस 2 अगेन 13 हो जाएगा, 13 अल्फाबेटिकल पोजिशन होती है एम की, तो मिसिंग टर्म में क्या आएगा पहले के 11 देन एम 13, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 फाइंड द मिसिंग टर्म इन नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे पैटर्न दिख रहा है साफ साफ कि जो नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी इस टाइप का इंक्रीज सडन होता है तो हम मान लेते हैं कि उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा हो, जैसे कि अगर मैंने 5 जो फर्स्ट 5 से 16 कैसे बन सकता है, अगर मैं 5 इंटू 3 प्लस 1 करा तो 16 बन गया, ठीक है। अब 16 से 51 कैसे बन सकता है, 16 इंटू 3 48 प्लस 3 करा तो 51, ठीक है। नेक्स्ट 51 से 58 कैसे बनेगा, 51 इंटू 3 करा तो 153 प्लस 5 158, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे बनाएंगे हम, 158 इंटू 3 प्लस 7 करेंगे तो 158 इंटू 3 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 481, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 481, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 फाइंड द मिसिंग टर्म इन नंबर सीरीज, और सीरीज रखिए 4 6 10 16 24, तो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं देखूँ कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सीरीज में तो 6 माइनस 4 करा तो प्लस 2, नेक्स्ट 10 माइनस 6 करा तो प्लस 4, अगेन 16 माइनस 10 करा तो प्लस 6, नेक्स्ट 24 माइनस 16 करा तो प्लस 8, तो नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पे हमें जो डिफरेंस दिख रहा है कॉमन डिफरेंस वो क्या दिख रहा है, इवन नंबर का प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 24 प्लस 10 दैट इज 34, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 3 कॉमा 5 कॉमा 9 कॉमा 17 कॉमा क्वेश्चन मार्क, तो अगर यहाँ पे हम देखें पैटर्न क्या लग रहा है 3, 5, 9, 17, क्वेश्चन मार्क, तो कॉमन डिफरेंस देखें 5 माइनस 3 प्लस 2, 9 माइनस 5 प्लस 4, 17 माइनस 9 प्लस 8, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो इंटू 2 के साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा ये, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4 8 इंटू 2 दैट इज 16, तो हम 17 प्लस 16 करेंगे तो 17 प्लस 16 आ जाएगा 33, सो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा ऑप्शन 1 33 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग टर्म, अगेन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, हमें मिसिंग टर्म क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो देखिए अगर मैं नंबर देखूँ नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि नंबर है 2, अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखूँ 4 माइनस 2 प्लस 2, नेक्स्ट 8 लिख लेते हैं 2b 4c 8e 14h एंड क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे नंबर कैसे बन रहा है 4 माइनस 2 प्लस 2, 8 माइनस 4 प्लस 4 एंड 14 माइनस 8 प्लस 6, तो यहाँ पे इवन नंबर दिख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 4 6, देन नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 दैट इज 22, ठीक है।
अगर हम अल्फाबेट देखें, अल्फाबेट कैसे दिख रहा है, जैसे इसकी 2 है पोजीशन, सी की 3 है, ई की 5 है, एच की 8, तो कॉमन डिफरेंस देख ले, 3 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 3 प्लस 2, 8 माइनस 5 प्लस 3, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ रहे हैं, स्टार्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के साथ बढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस 4, तो 8 प्लस 4 हो गया 12, और 12th पोजिशन हमारी होती है एल की, तो आंसर हो जाएगा 22L, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड एनालॉजी आया था, डायरेक्शन गिवन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डबल कॉलन एंड वन वर्ड इज गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ डबल कॉलन while another word is to be found from the given alternatives having the same relation with this word as the given pair bear, choose the correct alternative. अब यहाँ पे क्या देख रहा है, सिक्किम is related to Gangtok in the same way Manipur is related to, तो सिक्किम Gangtok से कैसे related है, the capital of सिक्किम is Gangtok, ठीक है, तो similarly हमें capital of Manipur देखनी है, the capital of Manipur is Imphal, तो answer इसका क्या हो जाएगा, option 4 Imphal, ऑप्शन 4 इम्फाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49, कोर्ट इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे स्कूल इज रिलेटेड टू, अब हमें पता है कि कोर्ट में बेसिकली क्या होता है, कोर्ट में हमें क्या मिलता है, कोर्ट में हमें जस्टिस मिलता है, सिमिलरली स्कूल में हमें क्या मिलता है, स्कूल में हमें एजुकेशन मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एजुकेशन, ऑप्शन 3 एडुकेशन इसका आंसर। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन नंबर 50, जामा मस्जिद इज रिलेटेड टू दिल्ली इन द सेम वे गेटवे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट, सो वी नो दैट जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन दिल्ली, जामा मस्जिद है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, इन द सेम वे गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 मुंबई।